सिंधसाणे में राइज कदीम सिंधी ज़बान के हूँ तो सिंध अनेक शायरन आलमन अदीबन उस्तादन मुहक्कन बोलिए जे माहिरन पे पंहिंजे पंहिंजे अंदाज़ सां तरक़ी तोसी बख़्शी आहे। पर जंहिं अंदाज़ सां लाड़पट जे सदा हयात सदा बहार शायर आलम उस्ताद मौलवी हाजी अहमद मला कलाम पाक जो सिंधी ज़बान में तर्जुमो करे सिंधी बोली जो गाट ऊचो कयो आहे, सो पंहिंजी जाइ ते हिकु शानदार कारनामो आहे। ऐं अॼु ताईं को ॿियो माण्हू इन ई मंज़िल ऐं मक़ाम खे छुही बि न आहे सघियो। मौलवी हाजी अहमद मला अगरि चाहे हा त हू ॿियनि ॿोलियुनि में बि कलाम पाक जो मंज़ूम तर्जुमो करे छॾे हा, जो खेसि दुनिया जे ॿियनि ॿोलियुनि ते बि मलको हासिलु हो। पर हुन पंहिंजी अबाणी ॿोलीअ खे एज़ाज़ ॾियण लाइ इहो कारनामो सर अंजाम ॾिनो, जो हुन सिंधी ॿोली खे औज ऐं उरूज जे मुनारनि ते ॾिसणु पिए चाहियो। पंहिंजी ॿोली जी सूंह ऐं सेपताई जे पस मंज़र में हुन फरमायो त बैत अहमद बात रब जी मान मुसहफ जे तुफेल मुल्क में मक़बूल थिए शल साफ सिंधी सुहिणी। मौलवी हाजी अहमद मला जी विलादत 19वीं सदी जे आख़िर धारे लाड़ सिंध जे बदीन शहर खां 45 किलोमीटर परे कंडे ॻोठ जे मार्ग ते थी। मौलवी साहब जी सवाने ते हेल ताईं छपियल किताबनि में हुन जी विलादत जो सन 1877 पे ॼाणायो वियो आहे, पर मौलवी साहब जे कलाम ते ताज़ो तहक़ीक़ कंदड़ प्रोफेसर ज़रार रुस्तमाणी उन सन खे मौलवी हाजी अमन मलाह जे पंहिंजे बैतनि जे आधार ते रद्द करे छॾियो आहे। मौलवी साहब जॾहिं क़ुरान पाक जो सिंधीअ में तर्जुमो करणु शुरू कयो हो तॾहिं हुन जी उमिरि 55 साल हुई। हू फरमाए थो त 55 खां पोइ पियमु पह तर्जुमे सिंधी संदो, उमिरि पूरी 65 में तर्जुमो थियणो तमामु। मौलवी साहब जी विलादत जी जेका जॻह आहे उनजो त तइयुनि यकीनी आहे, उहो ज़िले बदीन जो यानी तलको तॾहिं ज़िलो कोन हो, तलको बदीन हो, ऐं देह जेका आहे सा तपो चोरेडी ऐं देह लोहण उन में कंडो माग आहे, बिल्कुलु शेखाणी गाड़ी यानी जेको हींअर पाकिस्तान जी सरहद जो जेको एंड आहे उते मौलवी साहब जेको सो पैदा थियो। हेसि ताईं मौलवी साहब जी यानी विलादत जी जेका डेट हुई या उनजे साल में कुझु इख़्तिलाफ़ु हो, लेकिन हाणे मौक़े किन ई ॻाल्हि ते ई जेको बीठा आहिनि त उहा तक़रीबन 1877 जेका हिसाबीअ थी त 1877 में पाण तमामु हिकिड़ो मिसकीन घराणो जे पंहिंजो वालिद जेको आहे नांगियो मला उन ई घर में उन ई जाइ ते ई जेको आहे सो पैदा थिया। मौलवी हाजी अहमद मला जी जनम भूमि कंडे जो माग उन हंधि ते वाक़ आहे जिते कंहिं दौर में सूमरनि जी साहिबीअ जो गादी वारो हंधि रूपा माड़ी क़ाइमु हो। उन माग खां लॻभॻि 10 किलोमीटर जी विथी सां कंडे जो माग अॼु बि क़ाइमु ऐं दाइमु आहे। इलाइक़ो अॻे त सिंध जो हसीन तरीन इलाइक़ो हो, जो सिंधु दरिया जा कुझु वाकिरा हिन इलाइक़े मां गुज़री वञी समुंड में छोड़ कंदा हुआ ऐं दरिया जो इहो पाणी हिन इलाइक़े खे भरपूर ज़िंदगी बख़्शे छॾींदो हो। पर अॼु उन इलाइक़े में रुॻो रुञ ऐं सुञ पई वाका कंदी नज़र अचे थी। मौलवी हाजी अहमद मला पंहिंजे उन जनम भूमि कंडे जे ॻोठ जो बि शायरीअ में ज़िक्र कयो आहे। उहा शायरी ॿुधी महसूस ईअं थिए थो त हीउ माग कंहिं दौर में सिंध जो हसीन तरीन माग हो, पर अॼु हालतूं उनजो बिल्कुलु उबतड़ आहिनि। कंहिं दौर में सिंध बादशाही जा फरमान बि रूपा माड़ी मां जारी थींदा हुआ, पर हाणे जिते उन रूपा माड़ी जा हाल बेहाल थिया आहिनि उते ई कंडे जे माग खां मुर्कनि ऐं महकनि बि ॼण त मुंहुं मोड़े छॾियो आहे। तारीख़ शाहिद आहे, हिते जो ख़ितो शाहिद आहे ऐं माण्हू बि ज़िंदा आहिनि त हिन कंडे वारे इलाइक़े में ॿिबनि ते गोलूं जॾहिं थींदियूं हुयूं पोइ तक़रीबन 15 खां 11 किलोमीटर ताईं यको ॻाढ़ ऐं हुलवान नज़र ईंदो हुओ। माना जीअं मूमल जो माग हूंदो हुओ, गुलनि सां मशहूरु थी हीअ इलाइक़ो मशहूरु हूंदो हुओ। मौलवी साहिबु एतिरा त गुल ऐं हीउ कंडो एतिरो आबादु हो, जेकी मुशाबत ॾिनी आहे उनजो हिकिड़ो शहर रखी सघंदो। नाहे सानी को सदा सुहिणे सजण सनिहार जो, हुलक सारो मट न भाया हिकु मोहब मिठे मांधार जो, सिक भॻा सभु सुख संदम सारिया सजण सारी जमार, कीअं थिए मिसकिन सां मेलो मिठे मंठार जो, फट पियमि फिफिड़नि मझां कंहिं फिकर मंझि ॻारियसि फिराक, दर्द दिलि में थियो ज़ियादा दिलि रुबा दिलदार जो, कुरनिशूं कासिद वञी कजकी अॻियां कामिल करीब, मन दिलासो को मिले दिलबर वटा दीदार जो,
पान त पाए पोतियूं प्रियन कना पांधी पुछे ज थी बिलो सगंदो भला को हिन बंदे बीमार जो लकब कोठायो कंडाई आए आहमद इन सबब कें घड़ी गड़जे मता मन को गुल चमन गुलजार जो बोलवी हाजी अहमद मलाह जा पोयर अज भी कंडे जे उन पुराने बाग ते मुकीम आहिन बोली साहब जे पोयरन में संदस पोटराण मौजूद आहे अब्दुरहमान मलाह नाले ही अदड़ोट हमरा मौलवी हाजी अहमद मलाह जो रिश्ते में पोटो थी बोली साहब जे पोयरन खे ते जेतोणीक संदस कलाम भी याद कोन है पर खेन इहो इदराक जरूर आहे त संदन ॾाॾो सिंध जो वॾो शायर आलम अकाबर हो मौलवी हाजी अहमद मलाह जो ॻोठ कंडो माग अगर कें कदुरशनास महज़ब मुआशरे जो ॻोठ हुजे हा त ज़रूर ही ॻोठ हिकु मॉडल ॻोठ बणिजे हा ऐं उते हिन भलोड़ शायर जो को यादगार बि क़ाइमु थिए हा पर बेक़दरी ऐं गैर मुहज़पाई जे हिन समाज में क़ाइमु कंडे जो ही ॻोठ निंदणकाई लावारसी ऐं बेहसी जी हिकु तस्वीर बणियल नज़र अचे थो हिन ॻोठ जी निंदणकाई लावारसीअ जो उन खां वधीक ॿियो कहिड़ो मिसाल पेश कजे जो हिते ॿारनि जे पढ़ण लाइ स्कूल जी इमारत कोन्हे माण्हुनि जे अच वञ लाइ रस्ते जी सहूलियत बि हिन ॻोठ खे मुयसरु न थी सघी आहे ऐं वॾी ॻाल्हि त 21वीं सदी में साइंस जे उरूज वारे हिन दौर में बि हिते बिजली जी तार कान्हे पहुती जो माण्हू हिकु बल्ब बि रोशन करे को ज़िंदगी जे शुआ खे महसूसु करे सघनि ॻोठ में कहिड़ियूं बुनियादी सहूलियतूं आहिनि बुनियादी सहूलियत का बि कोन्हे छो आहे कोन बसि ॾींहं ई कोन था न बिजली आहे न पाणी आहे न रोड आहे न का शइ कोन्हे तव्हां ॿुधायो न रोड जो को टेंडर थियो रोड जो टेंडर थियो हुन खे का ख़बर ई कोन हिकिड़ो नंबर पंज अठ टेंडर थिया उहो पंज अठ ई खाजी आहे ॾींहं ई कोन था बिजली बि कोन आई आहे बिजली बि कोन आई आहे भला हिते इलाइक़े में थिए छा कहिड़ी आबादी थिए आबादी बसि चेट थिए थो कणक ऐं तूरिया थियनि था ॿियो कुझु ई कोन थो कती जो पाणी थिए ई कोन न को ॾियनि था कती जो पाणी छो नथो थिए बसि थिए ई कोन थो मथे नाजाइज़ पाणी खणी वञनि मथां वठंदासीं पोइ चढ़ारा वरी बि रहिजो रहूं भला हिन अॻु में हिन इलाइक़े में कहिड़ियूं कहिड़ियूं आबादियूं थींदियूं हुयूं हिन खां अॻे चवनि था त असांजे यादगिरी खां अॻे चवनि था त हर आबादी थींदी हुई कती बि थींदी हुई चेट बि थींदा हुआ त हीउ इलाइक़ो ख़ुशहाल हो उन वक़्त में उन वक़्तु ख़ुशहाल हो हाणे त काई शइ कोन्हे हीउ स्कूल जेको तव्हांजो आहे जी इन सां छा थियो आहे हू बि तबाह लॻो पियो आहे स्कूल बसि मिर्ज़ा साहिबु ॾिनो जीअं उहो हिकिड़ो चकर ठहियो त पोइ हुनजो को मरामत जो कमु ई कोन थो अचे बसि मुकमल कहिड़ी तबाह थी वियो हाणे ॿार किथे पढ़नि ॿार वरी हिन उताक में उताक स्कूल बनाए छॾियो स्कूल उतायो पोइ छा करियूं सरकारी बिल्डिंग माना तबाहाल आहे तबाहाल आहे सिंध सुजाण शाइर मौलवी हाजी अहमद मलाह इल्म जी अहमियत ऐं अफ़ादियत खां ख़ूब वाक़ुफ़ हो ॿारोतण जे ॾींहंनि में हू माल जो धनार बणियो पाण फरमाए थो त ढोर चाढ़ींदे अची वियो ओचितो मूंखे ख़्यालु इल्मु रीए इंसान लाइ कुझु नाहे इज़त ऐं एहतराम वाकई इल्मी इंसान खे इज़त एहतराम ऐं शोहरत जे बुलंदियुनि ताईं पहुचाए छॾे थो पर छा ॻाल्हि कजे अॼु जे समाज जी जंहिंजा न रुगो फ़र्द इल्म जी अहमियत ऐं फज़ीलत खां अणवाक़ुफ़ आहिनि पर उन समाज जा हुकुमरान बि उन भरपूर कोशिश में रुधल आहिनि त हिन समाज जे माण्हुनि खे ॼट ऐं जाहिल रखण लाइ कहिड़ा नवां तरीक़ा ऐं हुरबा इस्तेमालु कजनि जो सिंध जो समाज इल्म जे दरवाज़नि खां ई दूरि रहे अगर ईअं न हुजे हा त अॼु सिंध जो हर फर्द पढ़ियल गढ़ियल हुजे हा ऐं सिंध जो हर स्कूल इल्म जी रोशनी पखेड़ींदे नज़र अचे हा पर पढ़ियल लिखियल सिंध जो ख़्वाबु अॼु बि ताबीर माणे नाहे सघियो हालांकि सिंध जा बाशऊर फ़र्द इहा तबलीग सदियुनि खां कंदा पिया अचनि त इल्मु रोशनी आहे ऐं उन रोशनी खे हर हंधि पखेड़ियो वञे मौलवी हाजी अहमद मलाह बि उन ई नज़रिए तहत माल चाढ़णु छॾियो ऐं वञी ॿह डमी जे मकतब में हाफिज़ अब्दुल्ला मंदरे जो शागिर्दु बणियो हुन बाद हुन ॿिया मकतब बि भेटिया इल्म जी हासिलात ख़ातिर हुन घर त छॾियो पर इल्म जे हुसूल तां बहिरहाल हथु न खयो पहिरीं त मौलवी साहिबु हो बहराड़ी में वेठे कंडे जे ॻोठ में पोइ पढ़ण जे हवाले सां हू निकितो जॾहिं 11 साल हुनजी उमिरि थी त पोइ हुन पढ़णु माल चाढ़ी पिए पियो माल चाढ़ण खे हुन छॾियो ढोर चाढ़ींदे अची वियो ओचितो मूंखे ख़्यालु इल्म रे इंसान जी कुझु नाहे इज़त एहतराम जेका पंहिंजी मंज़ूम सवन उमिरी लिखी अथसि उन में इन खां ई शुरू कई अथसि यादि आहे साल 11 में पढ़णु वेठसि पटी ॾींहुं हिकु में बाब पूरा साल में संदसि कलाम उतां पोइ निकितो बडमी जे मदरसे में वियो भुगड़ा महिमण आयो दीनार टालपुर आयो बदीन आयो टोहा वियो नांगे शाह वियो ऐं घड़े मां हुन जेका तहसील कई टे जेके हुआ
से उन हम मकतब हुआ उन गडे न तहसील कई उते उन्हें मेहमानी कई हाजी अब्दुल्ला थे भी उन्हीं मेहमानी में भी उन खूब खुनचो खोलियो अल्हाज अब्दुल्ला रईस मानी मेहमानी बिरयानी तहरियों तमाम आयो बदीन में अची पीर आली शाह के मदरसे मदरुल उलूम में रो मदरसे उलूम का पे वरी जडे 1932 ईस्वी में इन इख्तिलाफ़ थो मौली साहब बरेलवी मसल के छे जडे अहले हदीस ना देवबंदी ना आयो तो उन टाइम से 13 मानून के जो तो पीर आली शाह वन नेह निकाली दिनी बदीन का निकाली दिनों चाहिए असो मसल के छे वन अची गरीबाबाद में पंजो मदरसो खोलिया अनवार उलूम उते ही जो अस दर्स तदरीस जो कम शुरू कयाई शायरी तो उनकी जिंदगी में हर लफ्ज से जहाँ शायरी होंगी हुई वो शायरी तो उनके जी कुदरती तरह एकड़ी का पालोट हो जे या विर्च हो जे या वसकारो हो जे जा मीह जो वड़ फुड़ो मीह वसे ये लफ्ज उनके शायरी में वसंदा हुआ। मौली साहब जो घराणो अणपढ़ियल घराणो ते करे पान जो है सो माल चारींदो हो तो लेकिन पंजी शायरी में वो बुधाए तो उन वक्त वो शायराना तबह जैसा उनते गालिब हुई तो माल चारींदे चारींदे वो कुछ गुनगुनाइंदो रहंदो हो कुछ शेरो शायरी काफियाबंदी वगैरह कंदो रहंदो हो तो 11 सालन ताईं उन या किरत पंजी जारी रखी पो कुछ वाक्यो अड़ो बुधाइन ता तो वो पंजी इनी मस्ती में मगन हो तो माल वनी के जको है पोख जी भेल कई तो उन ता इनके खौफ थियो तो हाने जको है मुके धड़का वगैरह मिलदा त पान जो है उतना भजी पो बडमी में हाफिज अब्दुल्ला मंदरो जो है वो मौली साहब जो पहरियो उस्ताद हो उन वट पढ़ियो उन खां पोए नांगोशा है सुजावल है पो आखिर में घड़े में संदन जेका है दस्तारबंदी थी यानी फारिगुल तहसील जो आलिम थिया उतना घड़े मजा उते संदन जो उस्ताद हो सो मौली खैर ममन मक्सी हो जैसे पान खिजरी के लकब से मौली साहब पंजी शायरी में याद किया है। मौलवी हाजी अहमद मलान रुगो पान इल्म हासिल कयो पर उन इल्म की रोशनी पखेड़न लाए पान भी अमली तौर कोशिशों वरतो इल्म के हुसूल का फारिग थियन बाद उन गोठ नूर मोहम्मद मंदरे लाखे पीर बह डमी के मदरसन में मौलम तौर दर्स देण शुरू कयो वो बदीन के मदरसे मजहरुल उलूम में भी मौलम थी रहो 1932 ईस्वी ताईं उते दर्स दींदो रहो। मौलवी हाजी अहमद मला कुछ फिकही इख्तिलाफ़न के करे उन मदरसे के खैराबाद कयो ए बदीन शहर के गरीबाबाद पाड़े में काजियावाह के कप ते एक नए मदरसे अनवारुल उलूम जो बुनियाद विधो ए उन मदरसे जो हेड मौलम थी वो उन मदरसे में हकीम फतेह मोहम्मद सेवाणी मौलवी अब्दुल गफूर सीताई मौलवी अब्दुल वहाब लुंड मौलवी गुल मोहम्मद खासकेली मौलवी मोहम्मद हारून चन्ना ए मौलवी अब्दुल्ला जूणे जो मौलम थी रहा। मौलवी साहब गरीबाबाद पाड़े में एक मस्जिद भी कायम कई उते ही मस्जिद के भरसा पैं रिहाइश भी अख्तियार कई जुल्फकार अली भुट्टे के दौर में उन मस्जिद मदरसे के औकाफ खाते के हवाले किया वो हो पर बाद में वह मस्जिद मदरसो औकाफ खाते का आजा कराया वह यह मस्जिद हाँ जामे मस्जिद मौलवी हाजी अहमद मला के नाले से सजे थी जैन मदरसो हाँ प्राइमरी स्कूल में तब्दील थी वो है जिते छोकर छोकर के तालीम दिनी वे थी यो स्कूल अलबत्त अज भी मौलवी हाजी अहमद मलाह के ना से ही सजो सुतो जातो वे तो 1950 में ही आऊँ मौलवी साहब जिन से मिलस अची मुझी उम्र 17-18 साल हुई उन डीन में मौलवी साहब असंके तमाम घनी इज्जत दींद हो तमाम घड़ो पाइंद हो नंढपुण में ही असि मौलवी साहब जहा कलाम बुधंदा हुआसूँ मु नंढपुण में ही मौलवी साहब जहा कलाम जे हुआ से याद कर शुरू कर छ्या पो वो जो को शौक हो याद करण जो सो जुनून जे मंजिल ते पहुंची हो जुनून जे मंजिल ते पहुंची हो उन जे करे वो पो सजो वक्त जेत्रो वक्त मौली साहब हयाती हो उन जे नजदीक रहस। मौलवी हाजी अहमद मलाह नांगियो मलाह के घर में जन्म वरतो हो पैंजे बिस्किनी हाल के बावजूद उन सिंधी बोली के हजारे नवा लफ्ज इस्तलाह दई दुनिया के इन कदीम बोली के वधिक शाहूकार बनाए छड़ियो संस कलाम में
पंहिंजे मज़हब इस्लाम सां अक़ीदत ऐं इश्क जा नित नवां अंदाज़ पसी सघजनि था। हुजर हुज़ूर सलाहु वसलम जे हज़ूर में पंहिंजे कलाम ज़रिए अक़ीदत जा गुल अचे थो, तॾहिं संदसि अंदाज़ बयान महसूसु करणु जहिड़ो हुजे थो। मौली अहमद मलाह जेको नबी करीम सलाहु वसलम खे हिकिड़ो खुलियो ख़त लिखियो, उन में आज़ियूं निज़ारियूं ऐं नबी साईं खे वास्ता कुल आल अतहर जा, असहाब जा, चइनि यारनि जा, हसनैन करीमैन जा ऐं नबी साईं जी जेका रफ़ रफ़ सुवारी हुई उन जा सॼो त नात तक़रीबन कोई अठनि पेजनि ते आहे, वॾो खुलियो ख़त आहे, पर उन जा कुझु चंद बंद आहिनि जेके आऊं तव्हांजे साम्हूं अर्ज़ु रखां थो। हमद हादी जा हज़ारें हुकम जंहिं हर जा हले, हू गनी हाकिम हमेशह ॿियो त हर को हथु ठले, बादशाही बादशाह जी बादशाहनि मंझि भले, पोइ लिखां पैगाम नामो पास पैगम्बर भले, थो लिखां महबूब महतर या रसूल अल्लाह रसेज। इहो उनवान हुयो नबी करीम सलाहु अलैहि वसल्लम खे रसेज जो। थो लिखां कामिल कुरेशी कुड़ुंब वारा करम कर, दोस्त हिन दिलगीर तां तूं दफ़े दोज़ख गरम कर, बख़्श बारी खां पिनी मुंहिंजो भला को भरम कर, का घुरी दिलबर दुआ दरगाह मां दिल नरम कर, आऊं भुलिस बेशक अंदर बर या रसूल अल्लाह रसेज। रूह राहत कई फिटी जेसीं रयस रफ़्तार में, मूं ॾिठो गिरदाब घोड़ा इन गंदे गिरफ़्तार में, चौ तरफ़ तूफ़ान उथिया तिक हणनि था तार में, पहुच पुकारूं ॿुधी ए पातणी पातार में, थियूं लॻनि लहरियूं लखोतर या रसूल अल्लाह रसेज। हिकु बलाऊं ॿियूं बुखूं ॿार चोथूं बर वॾा, ख़ासि हैवाननि हवाले थिया हज़ारनि जा हॾा, कीअं जबल झागे सघनि जानी असां जहिड़ा जॾा, लुक लिंगनि लूसाटियो लकमी विधम लाहे लॾा, पियम रिण में राति रहबर या रसूल अल्लाह रसेज। मीर मीरी हेठि तुंहिंजे मुल्क थियो माज़ाग जो, दोस्त दुश्मन कर धिके मूं नित लड़े थो लाग जो, दोस्त दारू सां दफ़े कर दर्द दिल जे दाग जो, मोट बरकत थी भले गुल बहिश्ती बाग जो, वास्ते उस्मान अनवर या रसूल अल्लाह रसेज। ॿियनि यारनि जा बि वास्ता अॻु में विधा आहिनि ऐं नाले मिस्रा में मौली साहिबु चयो थियो त कुझु अहद अल्लाह खे अहमद जे पारां आज़ियूं, तां लहनि बदियूं बदन तां बुग्ज़ निकिरनि बाज़ियूं, नीह जो नातो लॻे निकिरी वञनि ना साज़ियूं, पाक कलमे सां करे पोयूं पसा परवाज़ियूं, ख़त ख़तमु थियो ख़ूब ख़श्तर या रसूल अल्लाह रसीज। मौलवी हाजी अहमद मलाह जॾहिं हज जी सआदत लाइ सफ़र ते उसे थो, तॾहिं संदसि इंतज़ार ऐं इश्तियाक जी बि का हद नथी रहे। तॾहिं आगबोटनि जा सफ़र हूंदा हुआ ऐं हितां मौली साहिबु आगबोट में जॾहिं रवानो थियो आहे त उते बि शेर चयांसि, ऐं पोइ जॾहिं जिदे में पाण पुॻा आहिनि उते बि शेर चयांसि, पोइ अरफात में मके में, पर मदीने में जेॾी महिल दाख़िल थिए थो त उहो मौली साहिब जो हिकिड़ो मशहूरु कलाम आहे जेको रेडियो तां बि अॻे नशर थींदो रहियो आहे, त उठनि जा काफ़िला हूंदा हुआ, 12 मंज़िलूं हूंदियूं मके खां मदीने जॾहिं पहुचंदा त परे खां जेॾी महिल नबी सलाहु वसलम जी नील नज़र अचे थी त पाण उते बेसाख़्ता जेको शाइरी कयूं त अॼु कया ओठिनि इशारा, हो मुनारा मीर जा, हो मुनारा हो मुनारा हो मुनारा मीर जा, हू नबी जी नील सोनी आहे थी निकिरी निशान, जीअं सूहन उभ में सितारा, हो मुनारा मीर जा, अॼु त अहमद चए अखियुनि जी ईद अंदर ईद थी, थियूं ॾिसनि बाग़ो बहारा, हो मुनारा मीर जा। मौलवी हाजी अहमद मलाह रुगो मज़हबी शायरी नाहे कई, पर हुन फितरत जे ॿियनि रंगनि खे बि ख़ूब महसूसु कयो। संस कलाम जे ॿियनि सिनफ़नि जी बीहक ऐं घाड़ेटे जो बि अजब कमाल आहे। ॾिसो मौलवी अहमद मलाह पंहिंजे दौर जो वॾो शाइरु आहे,
हाँ उनके असा सिर्फ एकड़े उनवान हेठ एकड़े उनवान तहत कैद को ना कर सकूं वो इन मुआशरे जो इन समाज जो शायर आने समाज के मानन जो शायर है तो उन अनेक मौजू आ अनेक मौजू माना मिसाल तौर वो एक तो सुजाग शायर आ चार तरह चारों तरफ जो उनके थे तो पे सो सब ऐसी पे मसलन 1965 वाली जंग में वो 1965 वाली फतेह के गाए तो पाकिस्तान जी के उन अग में अना थोड़ो पान पे वनू या माना उनकी आखिरी जो इवेंट है हयाती जहाँ अगते वनू तो अग में जी हाँ चार्ल्स डार्विन है मार्शल टीटो है या पो वो भौर भिरे आकाश से भी बेलॉग तबसरो करे तो उनका सवा तसौफ़ जो शायर है सूफिन जो मशहूर मकोलो आ अल्लाह बस बाकी है बस उन तवील नज़म मोल साहब जो आलिशान पे उनका सवा खिलाफत तहरीक जो शायर है वो तहरीक आज़ादी जो भी शायर है वो आम जी इवेंट मिसाल तौर संस पाड़े में जैसे नजमदीन सरेवाल की थे थी इलेक्शन तो उन भी गाले तो उन गाए तो कोयटा में जल्जलो अचे तो वही तबाही थे थी तो उन भी मोल साहब की मजबूत शायरी पी है एतरा बया हुआ कि मिसाल तौर झंपीर में गाड़ी जो हादसों थो रेलगाड़ी जो तो उन भी मोल साहब जो शेयर पो है उवंजा में डुकार आयो बरसात ला दुआ घुरी बरसात बंद न थे तो वे बरसात बंद कर दुआ घुरी वह भी अड़े तरीके से जन तो वह सारी शायरी में अड़ी जो मूँ मतलब जड़ो कर पान पे बरसात वसाएं पान पे बरसात बंद करें उनके जन मानन जो उल्को है ओनू बिने घणो है रिश्वत के खिलाफ़ गाले तो तपेदारन के ला जो है सो उनके सख्त लहजे में उनसे गाले तो वो तपे में वन को बाजारों घुमन वेठा रुगो उतना सलाह मशवरो कर वे वेठा लिखन ये सब उनकी सुजागी जहाँ अजा आन रिश्वत के खिलाफ़ उनकी इलाही वही दाह है मौजूद पी है तेखा पो वरी तारीखी मागन ते विघह कोट ते वियो आ ते विघह कोट ते तो शायरी करे उमरकोट ते उमरकोट ते तो शायरी करे हेर असि हर साल एकता ॾियारो मल्हायूं था त एकता ॾियारे ते मूल साहब जी शायरी मौजूद पई आहे त हू चवे थो त एकता ॾे कोठ अहमद क़ौम तोणे कन ॿधा माना क़ौम भले कन ॿधे थी पर तूं पंहिंजी कोठ खे जारी रख त जीअं तुंहिंजे रिकॉर्ड में तुंहिंजे उन में दफ़्तर में इहा यादगिरी रहे त तो सॾु कयो पो माण्हू ॿुधनि न ॿुधनि उहो अॻिते हली वरी उनजो मसिलो थियो त हुनखे ईअं क़ैद नथा करे सघूं असां कंहिं हिकिड़े मौज़ू में उनखां सवाइ असां हुनजो ग़ज़ल जो शाइर आहे ऐं ग़ज़ल जो त उस्ताद शाइर आहे न छाकाणि त दीवान माना अल्फ़ बेवार ग़ज़ल जी तरतीब उहा हर को शाइर नथो लिखी सघे असां सिंधी में असीं अगरि दीवान ॻणींदासीं त असीं 18-19-20 खां मथे टिपूं ई कोन था माना 18-19-20 उस्ताद शाइर असीं चऊं था ग़ज़ल जा जिन जेके दीवान जे सिलसिले में उन में ग़ज़ल जूं सभु हुस्नाकियूं वटि मौजूदु आहिनि उहो चबुकनि जी चूर वधे या गुलबदन जी घुर वध या चबुकन जी चूर वध अंग अंब वध अंगूर वध छा मंझ मिठे मज़कूर वध त मतिलबु उन शायरी जा अनेक मौज़ू उनखे असां इहो इहा असीं ज़्यादती कंदासीं जो मौल साहब खे कंहिं हिकिड़े मौज़ू में क़ैद करे बाक़ी सभु शयूं हुनजो असीं विञाए छॾियूं या उन सां ॾाढा ई थींदी अहिड़ा काफ़ी कलाम आहिनि मौलवी साहब जा ग़ज़लिया शायरी में असांखे मिलनि था जंहिंमें यानी जमालियाती ज़ौक़ जे पहलुअनि खे मौलवी साहब एतिरो उजागर करे थो ऐं एतिरो खणी वञे थो त जंहिं ते शायदि आउं सम्झां थो मज़हबी माण्हुनि खे उहा शइ हज़म ॾुखी थिए अहिड़े क़िस्म जा मौलवी साहब जा शेर आहिनि जीअं तव्हांखे ऐं चंद शेर उन लाइ कोट करे ॿुधायां थो त मुदामी शलम मोबाणी भॼे मैखान में महफ़िल मुदामी शलम मोबाणी भॼे मैखान में महफ़िल हशर में हौज़े कौसर खां अचनि तन खे तसिया सभु छा न थिए वस वसल जे वस ॿिया वण टिण वसिया त बि छा या कुफर जी काकुल उथिया कारूं करे काबे कना हाणे कीअं महकूम मूंखां मुसलमानी थी सघे या हिकिड़े हंधि मौलवी साहब फरमाए थो त इबादत ॿियो आमद कहिड़ी करे इबादत ॿियो आमद कहिड़ी करे नज़र नाज़ तुंहिंजो नफ़िल आहे नेठि यानी महबूब जे निहारण खे बि हू नफ़िल कोठे थो नफ़िली इबादत जेका आहे सा कोठे थो ऐं ॿिए हंधि चवे थो त आहे आमद जी इबादत उमिरि सारी इन तरह दस्त ज़ुल्फ़े यार में तस्बीह मरजां जे बजा सम्झो त अहिड़े क़िस्म जूं मौलवी साहब काफ़ी तशबियूं ॾिनियूं आहिनि त इबादत बि अहमद जी सूंहें उते जिते जिस्म काबो ऐं काकुल गिलाफ़ त हाणे इहे अहिड़ा शेर आहिनि जिन में उन पूरी जेको आहे सो वज़ाहत करे छॾी आहे ऐं पूरो जमालियाती ज़ौक़ जो जेको उन सुहिणे अंदाज़ में उनखे पेश कयो आहे हू पूरो जेके सिर्फ़ु मंज़र निगारी न बल्कि इश्क़ हुसन कबाहत ऐं उन जा जेके मयार ऐं क़दरूं आहिनि उन ते हू पंहिंजी पूरी तबाह आज़माई करे थो ऐं भरपूर जेका शायरी करे थो पोइ उनखे मजाज़ी चइजे हक़ीक़ी जेको नालो जेको वणे ॾिनि बहरहाल मौलवी साहिबु ॿियनि शाइरनि वांगुरु जीअं उन्हनि बि महबूब जा ज़ुल्फ़ महबूब जा आबरू महबूब जा रुख़सार महबूब जा लब
तो मौलवी साहब उन्होंने चंद चेहरो चशम चकमक चौसरो चोटो चंदन वात कौसर खां कसर जमजम जकन सिर गाय घोरियाँ जी अमीर खुसरो तशबी तो दे ये लब हैं कि है वजद में मौजे कौसर। तो मौलवी साहब तो उन मौजे कौसर से लबन के तशबी नहीं लेकिन मौलवी साहब उनका तशबी के अना भी अगर तो खड़े तो चंद चेहरो चशम चकमक चौसरो चोटो चंदन वात कौसर खां कसर जमजम जकन सिर घोरियाँ इन कौसर का भी कसर है। तो उन शहर वागर बल्कि उन मथे तशबीहत दिन्यून इन रंग में मौलवी साहब आ समझा तो पाँ मठ पान है। मौलवी हाजी अहमद मलाह के कलाम के हेल तई रुगो मखसूस रागन ही आलापन में आंदो है। संस कलाम के मिठू कछी आलापन जरिए झरझंग तई पहुँचाया। हाँ मिठू कछी जो शागिर्द मास्टर करीम कछी मौलवी हाजी अहमद मलाह के कलाम से तबाजमाई करे तो मौलवी हाजी अहमद मलाह की शायरी जहाँ निराला अंदाज आन उन सिंधी जबान के लुगत के लिहाज से एडो तो शाहूकार बनाए छो है जो जैसे एक लफ्ज के अलग अलग अदायगन मानाओं के दिसजे तो तरह बोलिए जो घाड़ेटो ऐसी मानू जो अकुल दंग रह वजे। मौलवी हाजी अहमद मलाह जै वक्त में शायरी पे कई उन वक्त सिंधी बोली के वे मोहक कई जानू डॉक्टर नबी बख्श खान बलोच लुगत पे तरतीब दिनी उन जै संदस बैतन में लुगत की भरमार डिठी तरह बेअख्तियार थी चयाऊँ त जेस ताई मौलवी हाजी अहमद मलाह की शायरी मुकमल न थींदी तेस ताई सिंधी जबान की लुगत के मुकमल करण भी मुमकिन ना है। सो लुगत ठाहे भी आ या हर कें शायर के वस में कान्हे बोली जानू मानू ठाहे सके तो हिकड़ो त मौलवी साहब लाड़ जे खिते जो मानू आ लाड़ जे लाड़ में हुई बोली जो वडो चर्चो आ पर खास तरह से ग्रामर के हवाले से या सर्फ नहव के हवाले से मौलवी साहब वट फैलन में इसम ठाण जहा जमीरन में इसम ठाण जहा जरफन में इसम ठाण जहा एतरा तरीका एतरा घड़ेटा मौजूद हैं जो जैसे मानू भिटाई के रिसाले के पढ़े तो अड़ा नवा नवा फैल मिलन था जो उन अग में अस मुस्तमिल को रहा पर वो उन्हें घाड़ेटा ठाईंदा घाड़ेटा ठाए वे जो उन्होंने बया लफ्ज़ ठाईंदा तो बोली जहा तख्लीकार थन था एक हों मू फन जहा तख्लीकार वह बी शे होंगे पर बोली जो तख्लीकार जैमें वही बोली के ठाए जो कुरान शरीफ के तर्जमे में किया मौलवी साहब तो वही बराबर बराबर माए जहा बराबर बराबर वेटेज जहा लफ्ज़ जो कें मास जहा लफ्ज़ दियन उनको वजन रिदम बराबर रखन यो मौलवी साहब कमाल है। उनके मौलवी साहब बोली जो पैं दौर जो पर इंदड़े केतर सदन तई बल्कि आऊँ तो अगर डिजा न तो चवान भिटाई का बोली जो मैमार है बाकायदे बाकायदे मैमार माना उन बोली के तैमीर कर एतो अगत केतरा लफ्ज़ भिटाई जहा जिरसाल जहाँ जो भी असर अचो वो मौलवी साहब की शायरी का समझ में अचन भिटाई ये गाल पे करे तो उन करे बोली तो उनको वो वो जहान है बोली जो बिल्कुल आऊँ समझा तो सिंधी बोली में जितनी खूबसूरती है लुक ब्यूटी जो मौलवी साहब के कलाम में है शायद कें शहर में को एकड़ो तो उनमें एलिट्रेशन जो तमाम घणो इस्तेमाल है पन जो इस्तेमाल है फिगर्स ऑफ स्पीच बोली साहब तमाम घणो इस्तेमाल करे तो इस्तारा सोना इस्तेमाल करे तो बोली में एक तूफानी रवानी है। मौलवी साहब की शायरी में एक तूफानी रवानी है जैसे घन गरज पान चूँ तो वह पूरी जैसा हाँ गजगोड़ सा है उनमें भरा है एक पूरा उनकी शायरी में वो मिले तो उनका अलावा ठीक है अरबी फारसी या बेन बोलियों जहाँ लफ्ज़ मौलवी साहब की शायरी में अचन था पर हुन जो को धनार की जिंदगी गुजारी है तो उनको भी असर उनते अड़ो है जेदी मल अस उन बोली में उनकी में लूँ था तो आऊँ समझा तो उन उत्ते जहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल क्या जी सारी गाल थर में लूँ था तो अड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल क्या शायद थरन के भी कोा हूँ तो फुल मंदी नेटो नहीरो सब संभाले वस वेहूँ वाहड़े गुहा गुजर जा गेह में गोहिन गेहूँ दू बदू दूहूँ दुखन दुख दूर देखी दे देहूँ मुल्क रंगिया मुल्क जे मुख्तार समझी छा सगा तो सभी शहन के टच किया है। मुझे चवण मुताबिक तो उनकी बोली में एक यानी जामेयत है इल्मी बोली से गडो गडो उनमें बाराड़ी की बोली भी असें मिले थी शहर जो है टच भी मिले तो यानी उनकी बोली में एक आलमाना रंग है।
मौलवी हाजी अहमद मलाह जो वो कारनामो कुरान पाक जो सिंधी जबान में मंजूम तर्जुमो है। जो तर्जुमो उन अड़े अंदाज से है जो को बो शायर अड़ी जुरात भी ना कर सको। मिठाई सरकार के बैतन के हवाले से अक्सर यो वे तो जे तो बैत भाया से आयतू आहीन नियो मन लाइन पिर्या संदे पार दे। मौलवी हाजी अहमद मलाह भिटाई सरकार के उन कदम का अगते वधी एक बाकायदे तरतीब से कुरान पाक जो शायरी में तर्जुमो कयो ए दुनिया ला एक नओ रिकॉर्ड कायम करे छड्यो। गाल करण में लफ्ज दुनिया नडो पर एडी सजे ग्लोब ते बी का एडी बोली कने या बोलियो अहन तो उन बोली में एडो को शायर कोने ऑथेंटिक या उस्ताद शायर कोने जो कोने बोली में कलाम पाक जो तर्जुमो कर सके। मुश्किल से दुनिया की बोली होंगी जैमे सलाम की प्रचार न थी होंगी या कुरान शरीफ न पढ़ो वो होंगे शायद ही हुए पर फर्ज़ कर ये सब शूं असि एक पास रखी वे ऐसा मोल साहब उन बोली के पी के दुनिया में एक लिहाज का नंबर वन तो ठा छे तो हि उ बोली है जैमें कुरान शरीफ जो तर्जुमो मौजूद है जो अना ती बी कें बोली में ना है। हि उ शायर है इन बोली जो जैं वो तर्जुमो किया जो बे के को वही गाल है तो मौली साहब जो कुरान शरीफ जो तर्जुमो किया कमाल की गाल उनमें यह है तीन जे सिंधी में नसर में कुरान पाक जहाँ तर्जुमा थे उनके असी प्योर सिंधी तर्जुमा नथा चई सकूं छो जो उनमें अरबी लफ्ज़ साग्या ही इस्तेमाल क्या वह जी मिसाल तक आऊँ दियां तो कबर के लफ्ज़ असा ला कबर ही इस्तेमाल किया पर मौली साहब कबर लफ्ज़ इस्तेमाल नथो करे अल्लाह को मुतका सोरो हता जुर्तुमुल मकाबिर त मोयो आंखे माल ता वही बुठियो भेटियाँ तो मौली साहब बुठी लफ्ज़ जो है वे तो परहेजगार लाइ मौली साहब कारण किरियातन लाइ लफ्ज़ इस्तेमाल करे तो फलाने सा वैल थियो वैल यो मैज़िल मुकज़्ज़िबीन लाइ मौली साहब लफ्ज़ इस्तेमाल करे तो काढ़ो कूड़न कान आए उन ॾींहुं में या फमई अमल मिसकाल ज़रतन खैरई यर फमई वमई अमल मिसकाल ज़रतन शरई यर तो मौली साहब उनजो ॾिसो कहिड़े सुहिणे नमूने सां तर्जुमो करे थो त चिख चङाई जो करे सा ॾिसंदो वट दातार पुण लोड़ींदो लाचार जो भोर बराबरि बोछ करे। तो कुरान में उन जगह बोली रखी है ताकि सिर्फ़ आऊँ अहद लफ्ज़ो जो असं वूँ तो अहद लाइ अस को लफ्ज़ ना सवाए यकता जे लेकिन मौली साहब उनके अड़े अंदाज में पेश कियो है तो चौ तू अल्लाह एक यानी उनके जो चौ आए हक यो तो अल्लाह है एकड़ो अल्लाह बे एहतियाज सो न कैंसा संग सो न जाओ न जड़ियाई कोने से केड़ कहो जै जेडो जै जेहो हरगिज़ ना एकड़ो हाँ जै जेडो जै जो ये जो लफ्ज़ मौली साहब इस्तेमाल किया ये पूरी अहद की माना के जो इनकम्पास कन था भला जो हों तो जड़ो को हों या जड़ो हों तो जो को हों तो मौली साहब बई लफ्ज़ इस्तेमाल करे तो अहद में तो जै जेडो जै जो हरगिज ना एकड़ो ए वो एहतियात करे तो नबी सासम लाइ जी आया तई तो वाह जद जाल फहदा तोखे असा जाल लफ्ज़ की माना है गुमराह पर मौली साहब उत लफ्ज़ इस्तेमाल कर लदाई छोड़ो फमल यतीम फला त कर यतीम जो जैसे जिक्र अचे तो वो असा तक यतीम पातो कुरान शरीफ में जी जिक्र अचे तो सूरह वज़ुआ में तो मौली साहब चो तो छो न लदाई छोड़ो पो बख्शी राज भाग ए मूढ़ल लदाई मूरई पो मोड़े आंदई माग लखें दिनाई लाग जडे दिठाई तोखे डुबरो तदें तू न यतीम ते को जरो जोर हलाए तदें तू न तड़ी दे के आसाऊ के आए पो गायो पो गुण गाए पंजे परवर पाक इन मिठेठ सिंधी जी असं चूं तो शाह करीम या भिटाई साहब के जमाने वाली जी बोली बिल्कुल उ इस्तेमाल कई है ए वो कमाल यो है तो उन हर आऊँ चाह तो हजारे सिंधी के नवा टर्म जी से पूरी नई टर्मिनोलॉजी जी असा दिनी है। मौलवी हाजी अहमद मलाह के बे कलाम जिया दुनिया के उन गाल जो पतो जेकर हरगिज न पवे हा तो को उन कुरान पाक जो मंजूम तर्जुमो भी कयो आहे पर संदस उन कारनामे के इब्तदाई तौर थर जे इलाके से ताल्लुक रखंदड़ एक नामवर शख्सियत अरबाब अलह जुड़े नूरुल कुरान के नाले से छपाए दुनिया आड़ो पधरो कयो जंखा पोए मौलवी हाजी अहमद मलाह के कलाम जी बियु हुस्नाकियों भी जाहिर थियो। शुरू में यो लो सिपारो उसमें डिप्लाई एक लो शायर कयो हो तो उनके दिसी मौली साहब के यो शौक पैदा थियो तो आऊं जेको है सजो कुरान शरीफ जो मंजूम तर्जुमो चौं सजे कुरान शरीफ जो है यो मंजूम कया तो मौली साहब उन्हें के शुरू कयो ए मुझे वालिद अरबाब अल्लाह जुड़ो उन्हें के यो तो तुम जो शौक है उन्हें जिक्र कयो छो जो
पान में तमाम एक दोस्त न पर एक भा जी हैसियत पान में रखा हुआ एतरे कदर एक बे वेझा हुआ तो उन साहब यो पंजठ में 1965 में यो तर्जुमो मुकम्मल कयो उन्हीं का वो बाबा जो उन खर्च थे तकरीबन उन वक्त में मुझे जहन में मुझी यादाश्त में अचे तो 10,000 तकरीबन रुपया खर्च जो अज समझा तो अजकल के करोड़ रुपये के भी बराबर ए वो पैं खर्च बाबा छपरा वो पे जुल अ मोट पियल भी हों वो भी जो तेजा तो तेखारी उनो अला सही उनके अजर भी वालद के भी मौली साहब तेखा यो अहम कम जो अस जो थोड़ी कोताही हुई कमजोरी हुई यो सऊदी गवर्नमेंट जो इनके अगत खी छपा जो अज पूरी दुनिया में हर हंधे मौजूद है। मौलवी हाजी अहमद मलाह की शायरी जो दायरो रुगो सिंध वतन ती महदूद ना रो पर दुनिया के बदलजंदड़ हालतन से भी गहरी नजर रखी। अक्सर शायर रुगो फितरी नज़ारन में ही महफ थी वेंदा पर दुनिया जहा सुजाण मानू पूरे जहान से नजर रखी तब्दील थींदड़ हालतन जो पा जायजो वठंदा आहिनि। मौलवी हाजी अहमद मलाह जो शुमार भी दुनिया के उन्हीं दानिश समझ भरल इंसानन में थे तो जो दुनिया के उथल पुथल का चंगी रीत वाकफ हुजन। हाँ मौली साहब के दौर में 1917 जो वाक्य अचे तो जो रशियन इनकलाब अचे तो लेनिन ए कम्युनिस्ट इनकलाब अचे तो इतने असट जो कैपिटलिज्म जो पूरा दौर हो तो मौली साहब उनते पूरा इजहार किया तो इस्लामी जहन जो मानू हो पर एतरो जरूर चे तो इश्तराकियत अमीरी इश्तराकियत के आडो अची सी अमीरी इश्तराकियत के आडो अची सी गनी के सौत लख गुरबा गमे अयाम में केसी सुधारियो दीन दुनिया जो न दिलबर देश में दूरी लखें इंसान अज बुख में अवी आराम में केसी अर्ज अहमद आए ई अमीरी आम जे सुख सा जैसे तुम बादशाही चाहो था तो अवाम जो सुख गोलो अर्ज अहमद आए ई तो अमीरी आम जे सुख सा सुधारे धार सोभन जो सदू सिरसाम में केसी जे तुम सुधारो ना आयो ए सोब की सद रखो था तो तक माली खोलिया थी है माली खोलिया जा तुम मरीज आयो ए गिदू वन खे तो ये मौली साहब की बागियाना शायरी है ए अमीरो आम आहू रंग लाई दियूँ जरूर नित निमाणन जो निगाहू रंग लाई दियूँ जरूर मंझ कंगालन करग मंझ कंगालन कंग रड़ करगल कलहन जा सिर कुलन वाहिरे जे वेर वाहू रंग लाई दियूँ जरूर इतने पा रूस जो मिसाल दियन था तो जार के जारी करायूँ रूस में हो जो रईस तो जार ऑफ रशिया उनो फॉल थी हलो तो जार के जारी करायूँ रूस में हो जो रईस तू उन का पंध पराहूँ रंग लाई दियूँ जरूर इन बुखियन ए बेखबर बर्बाद क्या कई बादशाह ही कुमहरियों कहर काहूँ रंग लाई दियूँ जरूर। मौलवी हाजी अहमद मलाह एक इनकलाबी इंसान हो उन रुगो बदीन भरसा लवारी शरीफ के मुतनाजा मसलन के पैं शायरी में आंदो पर उन अमल खिलाफ उन रस्तन से निकली अमली जदोजहद कई। अंग्रेज सरकार के कुधन करतूतन से भी मौलवी हाजी अहमद मलाह के मठिया लगी ए उन सरकार खिलाफ उन भरपूर आवाज बुलंद कयो। उन अमल ते मौलवी साहब जड़े नेक सीरत इंसान के जेल जा डी भी काटना पे अंग्रेजन पंजे दौर में जमीतुल उलमा वारन के तहरीक आज़ादी का परे करण ला एंगेज करण ला उन एकड़ो उन एकड़ो लवारी शरीफ जे एकड़े नक्शबंदी सिलसिले जे एकड़े वडे मैदान ते एकड़ो शोशो छड़ियो उन शोशे के उन पंजे पंजे माहन जे तरफा इलाही प्रैक्टिकलाइज कयो तो पो उन में मौलवी साहब जो किरदार तमाम वडो आ। मौलवी साहब उन में माहन के सुजाग तो करे न सिर्फ तौहीद ही प्रचार तो करे कि जहाज वही को प्रैक्टिकली अची मानन के रोके तो गाड़ियों के अगर सुम्ही तो पवे उन जहाज में मौलवी साहब जो कम समाज सुधारक की मन सब जो इंफरादी वैल्यू थी उठे तो हालांकि तमाम घना मानू आ जिन उन वक्त अलग केतरा भी आलम मिसाल तौर हाँ मौली अहमद अली मजजूब है जैसे गिरोड़ी साहब के हवाले से या नाले से उन बोली में उन पेशन गोई दिनी जगह गिरोड़ी साहब की पेशन गोई चई वे थी जगह असल में मौलाना साहब की है। अड़े तरीके से मौली अब्दुल्ला मरी है असें फुलडन के पास जो उन तहरीक में तमाम वो कम कर मौली साहब मुबारक असीम पली है उन वही उन सजी जो सत्याग्रह उनके रिकॉर्ड कर जंगल में बेले में वही सजा टिनी डी टे ढीह हल पे टिन ढीन तीन मूँ के गिरफ्तार थे बदा चवंदा तो अंग्रेजों की फौज थकी पी जो रसा खुटी पाया पछाड़े मानून के पटका बधी आया पे लुंगियों बधी उन बधी ए मानून के काबू कंदा हुआ तो जो इन अमल के रोकजे पर इन अमल में रोकने वाला जो असा बया सुठा ऑफिसर्स हुआ उन्होंने मिसाल तौर सरशाह रुकेली उन वक्त कमिश्नर आए उतो या कलेक्टर आए उन वक्त तो मौलवी साहब उन तारीफ तो करें
त मतिलबु भोले साहब जो इहो जेको समाजदार कौर पलो आहे इहो तमामु वॾो पलो आहे। हुनजी ज़िंदगी जो हिकिड़ो पल बि ज़ाया आहे ई कोन्हे। जेको जेको विख विख हुन खईं आहे ज़मीन ते उन उहा विख हुनजी इल्मी आहे, उहा हुनजी समाज सुधारक आहे, उहा हुनजी सिंध सां सिंध जे सां इश्क़, सिंधी ॿोली सां इश्क़ ऐं सिंध जे माण्हूअ सां इश्क़। मौलवी हाजी अहमद मलार उहो हिकु शाइर, क़ुरान पाक जो मंज़ूम, मुतरजम, उस्ताद, अकाबर ऐं इनकलाबी इंसान ई न हो, पर हू दुनिया जो हिकु वॾो समाज सुधारक हो। उन दौर में जॾहिं थर जा कुझु ख़ानदान पंहिंजे घरनि में न्याणियुनि जी पैदाइश खे मायूब सम्झंदा हुआ, तॾहिं मौलवी हाजी अहमद मलार ऐं हुनजे हमनवार रफ़ीक़नि न्याणियुनि जूं हयातियूं बचाइण लाइ तबलीग बि कई। शुरू में असर जेको थियो आहे उहो असल में अलाह साईं जनत करे नसीब करे मौली अब्दुरहीम मरहूम पचमाई खे, उहो जेको आहे सो उतां खां आयो। हाणे इहो मूंखे साल यादि न आहे, मुंहिंजी उमिरि खां अॻु जी ॻाल्हि आहे, पर ॿुधल ॻाल्हियूं ईअं हुयूं। बाबा जे वक़्तु में बाबा कंदो हुओ, उहो उतां आयो। पोइ 1925 या 30 धारे आयो आहे। उनखां पोइ 1932 ताईं जेको आहे सो इहो मसाला हलिया आहिनि। उन में अॻु में असां में वाक़ई इहो हो त असांजो ख़ानदान औरत सिरसे में छोकिरियूं वग़ैरह जेके से न छॾींदा हुआ कंहिं तरीक़े सां, या न हूंदी हुई पोइ माना ज़िंदा न छॾींदा। बहरहाल राजपूतनि मां शादियूं हूंदियूं हुयूं, पोइ ॿियनि खे ॾियणु पसंदि न कंदा, पर हिकिड़ो तस्बीह निज़ाम चई सघिजे थो हुनखे। पर पोइ अलाह जो फज़ल थियो ऐं बाबा ते हुनजो असरु थियो ऐं पहिरीं मुंहिंजो वालदो जंहिं इहो जहाद कयो, जंहिं पंहिंजी नियाणी ज़िंदा छॾी ऐं उनखां पोइ हुन तौहीद ऐं मुहदी जो झंडो खयो, जंहिंमें असां मौली हाजी अहमद मला मरहूम बि शामिलु हो, मौली उमर जुणे जो डिप्ले जो शामिलु हो, मौली गुल मोहम्मद हिंगोर जो डेपियार जो उहो बि हो, मौली ख़ैर मोहम्मद निज़ामानी मरहूम बि हुन सां शामिलु हो। जॾहिं लुहारी जो इहो मामिलो थियो उन ई में बि मुंहिंजे वालद जी सरासरी हुन सां जेका आहे जानी या माली या जेका बि उनखां हिमत अफ़ज़ाई उहा हुन कई ऐं उन ख़ैर सां पंहिंजो तकमील ते हू पहुतो। ग़ज़ल में हुन घणो करे रोमानवी शाइरी कई आहे। हू पंहिंजे महबूब जूं तशबीहूं ऐं इश्तिहारा अहिड़े त अंदाज़ में बयानु करे थो जो घड़ी खनि लाइ त इहा ॻाल्हि विसरी वञे थी त हू को मदरसे जो मौलम या हिकु मखसूस दायरे में ज़िंदगी बसर कंदड़ को दुनिया जहान खां अलॻि थलॻि इंसान हो। ग़ज़ल संदसि शाइरी जे उरूज वारी सिंफ़ आहे। इहो जेको माण्हू चवनि था त आम न पहुतो आहे, इहा ॻाल्हि ग़लति आहे। मौली साहब जो कलाम लाड़ में त हर माण्हू जे वात ते आहे, पर जिते किथे बि उनजो कलाम पहुतो आहे, छाकाणि त मिठू कच्छी उनजे कलाम खे सॼी सिंध में फैलाए छॾियो आहे। इहो जेके इहे जेके कच्छी बिरादरान हुआ इन्हनि खे इज़त मौली अहमद मला जे नाले जे करे मिली, कलाम जे करे मिली, ऐं मौली अहमद मला खे शोहरत जो वॾो सबबु कच्छी बिरादरान हुआ। शायरी जी सिंफ में मौलवी हाजी अहमद मला मज़ा ऐं इनकलाबियत ते बि तबाह आज़माई कई आहे। मोहबत जे मच ते मचे सो अचे संदसि इनकलाबी शायरी जो चिटो पिटो उञाण आहे। उनखां सवाइ हुन सिंध महिराण ऐं पंहिंजी धरतीअ जे ॿियनि हुस्नाकियुनि ऐं फितरी नज़ारनि खे बि ख़ूब ॻायो आहे। मौलवी साहिबु पंहिंजी यानी धरती खे त किथे बि न विसारियो आहे। जॾहिं यानी इंडिया असांजो सब कॉन्टिनेंट जेको आहे सो गॾु आहे, यानी मुतहद हिंदुस्तान जेको आहे, मुतहद हिंदुस्तान में मौली साहब जीअं अलामा इक़बाल अचे थो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, त इहो उनजो जेको आहे प्री पार्टीशन वारो पीरियड आहे, त उनजो जेको आहे उनमें इहो ख़्यालु हो। त अहिड़े नमूने सां मौली साहब हिंदुस्तान जी आज़ादी जे लाइ हिकिड़ी पूरी जेका आहे सी अर्फ़ी में जेका आहे दुआ घुरी आहे। ते तवकल तो मथे ऐं तो संदी तारी तगूं, तुंहिंजे हथ हादी मथो माल चोटी जूं चगूं, नाहे ॿियो अल्लाह पोइ कंहिंजे अजे ओले लॻूं, टीप जूं टोपियूं असां तां लाहे परवर विझ पॻूं, ॾे मोहम्मद जे मुहाबे मान हिंदुस्तान खे। हाणे अहिड़े नमूने सां पूरी ही जेका आहे तबियत माना हिंदुस्तान लाइ दुआ घुरी आहे, तोए तबियत खे तलब तौफ़ीक़ ताक़त तोड़ ॾे, जल्द जमूरी जमात खे जमीयत जोड़ ॾे, आम इस्लामी उखूवत जे अंदर में ओड़ ॾे, ख़ैर ख़्वाही जो ख़ज़ानो ख़ैरियत जो खोड़ ॾे,
लाइए नाले मिठा नुकसान हिंदुस्तान के शीन शाही दे शरीयत के शिकस्ती खां रखेज हौलनाकी हिन हलाकी हैफ हस्ती खां रखेज हर जमीनो हर जमन में जेर दस्ती खां रखेज मरफत मालिक मिठा डिज माल मस्ती खां रखेज दीन दुनिया जा धनी डिज दान हिंदुस्तान के ये पूरी हिंदुस्तान लाए यानी इन मजा जाहिर थे तो एकड़ो उनजो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू पंजो आए पर ऊ पंजे हिंदुस्तान के एकड़ो पंजो वतन समझे तो पंजो वतन समझी है उनजी आजादी लाए है उनजे सुधारे लाए पंजे मालिक खान जका सा दुआ करे तो ना है तो को मौलवी हाजी अहमद मलाह जी शायरी शख्सियत का दुनिया अणवाकुफ है हेल तई सा शायरी जा अनेक नंढा वड़ा किताब छप जी मार्केट में अची चुका हैं जिन वसीले दुनिया के सिंध दिलबर शायर दिलरुबा इंसान बाबत वाकफियत पे हासिल थींदी रही है पर यह शायरी एतरी तो थोड़ी मखसूस मजहबी अंदाज में दुनिया आडो आई है जो इन अजीब शख्स की शख्सियत जहा बया पासा निर्वार ही नी सकया इब्तदाई डीन में उन्होंने किताबन के मार्केट में आने जो कोशिशों मोहम्मद उस्मान डीपलाई और मौलवी अब्दुल्ला जूणे के क्यों मौलवी अब्दुल्ला जूणे जो अब्दुल मजीद अबड़ो अल्लाह जुड़ियो मलाह अल्लाह वरायो उमरानी मौलवी हाजी अहमद मलाह के कलाम जा कातिब रहा है मौली साहब जो कलाम शुरू में संदस एकड़ो हो कातिब नहमतुल्ला हाले पोटो उनके अखर भी ढा हसीन हुआ उनके अखर में एडो एडा वणंदड़ हुआ जो असा लाड़ म्यूजियम में उके रखल भी उनको बयाद सजो उन्हें लिखी छो हो उन मौलवी अब्दुल्ला जूणे जो जैसे आयो मदीन में अची रो संद मदरसे में तो उन मौलवी साहब ज शहर से नंढा किताब छपाया गुलजार अहमद गुलशन अहमद बयाद अहमद हेकड़ा यक फतेह दिलवारी ये नंढा किताब हुआ जे मानून के पसंद पाया ऐं माण्हू उनखे शौक़ सां पढ़ंदा बि हुआ उस्ताद मिठू कच्छी उनखे मिली वियो जे मौली में उस्ताद मिठू कच्छी ऐं उस्ताद हाजी उस्मान उन्हनि मौली साहिब जे कलाम खे ॻायो ऐं मौली साहिब जी शायरी काफ़ी या इहो मुख़्तसर काफ़ियूं आहिनि पर ग़ज़ल उनजा तमामु घणा आहिनि पर इहे कच्छी बिरादरान हुआ जिन उहे ग़ज़ल जेके हुआ से काफ़ी रंग में ॻाया ग़ज़ल खे ग़ज़ल रंग में त सभु गायक ॻाइनि था के गज़ल रंग में तो सब गायक गाइन था पर काफ़ी रंग में इन्हें ही मानों ने उनके मशहूर कर 1974 में मौली साहब जो दीवान छपियो दीवान अहमद के नाले से उनमें अलिफ का वी जो है ये तई पूरी गज़लियात की सिलसिलो दिनो वो उनका उनमें कें किस्म की तरक्की न थी आउं नंढपुण का उनकी शायरी में जो है सो दिलचस्पी वनोस शौक़ रखोस पुछनो रहोस बेन का पर ॾिठम त काफ़ी दौरु गुज़री वियो मुखे वीह पंजवीह साल टीह साल इन जुस्तजू में रहिया पर उते ॿियो ॾींहों ॾींहुं उहा शायरी बिगड़ंदे वेही जीअं जीअं नवां किताब आया पिए त उन में जेके उन जा छापा हुआ उन में ग़लतियूं वधीक पिए आहियूं ऐं मौली साहब जो लहजो जेको लाड़ी या हितां जो जेको डायलैक्ट हो उनजो बिल्कुलु ख़्यालु न पिए रखियो वियो गुम थींदे वियो तंहिं करे मूं इहो ई यानी पोइ हिकिड़ो प्लान ठाहियो त आउं मौली साहब जी शायरी आहिस्ते आहिस्ते गॾु कंदो आयुसि ऐं काफ़ी माण्हुनि खां असीं ॿुधंदासीं त उहा शायरी ऐं कलाम मौली साहिब जे किताबनि में कोन मिलंदा हुआ ऐं ॻाइणनि खां बि असीं ॿुधंदासीं मिठू कच्छी जी गायक उहो ॻाईंदो त काफ़ी कलाम उहो अहिड़ा चवंदो हुओ जेके उन्हनि किताबनि में मौजूदु कोन हूंदा हुआ जीअं अथम ॾींहुं राति तुंहिंजी तात तन मन तार तूं 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 मशहूरु मौली साहिब जो ग़ज़ल हो लेकिन इहो किताबनि में मौजूदु न हो हट हट हबीब आयो होको हटी हटी में त पोइ मूंखे इहा जेका सोच थी त इहो सॼा मजमूआ ऐं उनखां अलावा ॿी जेका शायरी जेका माण्हुनि जे सीननि में आहे या माण्हुनि वटि लिखत में मौजूदु आहे उनखे कलेक्ट करे ऐं जेको कुलियात तरतीब ॾिनो वञे पोइ इन कोशिश में आउं रहियसि ऐं काफ़ी टाइम मूंखे लॻो ऐं असां जेको आहे कुलियात अहमद जो पहिरियों एडिशन शाया कयो
बे एडिशन लाइ जो सो वही कोशिश पो करा तो मौली साहब लाइ काफ़ी पढ़ंदड़न जो रायो है तुझी लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल है उनमें एलिट्रेशन जो इस्तेमाल घणो है इन करे के तो चवंदा मौली साहब जी यानी शायरी पढ़ने में जबान कुतरजी वे थी ते करे मु पूरी कोशिश कई है तो वी पंजवी हज़ार खन तकरीबन उनके जेरू जबरू दिन एराबू दिन इंशाल्लाह वो नो एडिशन जल्दी अची जी कम अज़ कम वो कलाम महफूज थी वे मानुन जे फार्म लायक बनजे उनकी पढ़नी जैसा आसान थी पवे। वेझे दौर में टंडे बागे से ताल्लुक रखंदड़ प्रोफेसर जरार रुस्तमानी मौलवी हाजी अहमद मलाह के कलाम से तफसील से तहकीक कई है उन कुलियात अहमद के नाले से मौलवी हाजी अहमद मलाह के कलाम जहा बजखीम जुल्द छपाए पधरा कया संदस तहकीक जो कम जारी है सारी है उन कम में मौलवी हाजी अहमद मलाह की शायरी जहा जानू मोहम्मद सिद्दीक मरहम रुस्तमानी एजुकेशनल सोसाइटी टंडे बागे जो चेयरमैन खालिद रुस्तमानी ए पुलिस खाते जो डीएसपी दोस्तमंद मंगरियो भी उन कम में साणस हम रिकाब रहा है। खालिद रुस्तमानी भी पुलिस खाते जो ही आफिसर है बिन पुलिस आफिसर के अज के दौर में इल्म अदब की तहकीकी कम से ऐसी सचपच तो मानू की ढी हैरत थे थी पे तो शाबाश दी कच्छी भावर के जिन गाय गाय सुठा जो आम अवामी राग उन्होंने गाए उनके उजागर के गयो खास तरह अवामी रागन में जिनमें गाय मौली साहब के जिनमें लोड़ा हुआ है मल्हारी है वो गाय बाजन लगन हुई तो मौली अहमद मलाह जहाँ पंजा रागन पो नंढा नंढा किताब छपजन शुरू थे उनमें इन्हें टीह सुफन जो भी किताब आयो पंजी सुफन जो भी किताब आयो वरी माशाला दीवान सजो आयो पर वो कम तो माठो रो कें हद तीन आई चवन वो कम इलाकई थी हो सिर्फ एक हल्के तीन मदद थो जरूर पे पर हल्के तीन मदद हो हाँ ताजे दौर में वो शाबाश है असाजे रुस्तमानी भावर के असो दोस्त है खालिद अहमद रुस्तमानी साहब जो डीएसपी है तो पुलिस में मू पुलिस जो कम है वही मौली साहब से इश्क यह वही गाल है वही असो दोस्त है दोस्तमंद मंगरियो साहब वो भी उन्हीं इश्क में सरशार है जो वही न रुगो मौली साहब के जेला प्रैक्टिकली कम पाया कन पर वरी उन गायन भी था उनके याद भी कन था उनके दोहराइन भी था उनके पढ़न भी था या उनकी तमाम वही वही गाल चेबी यह हैरत उन वक्त अना भी वे थी जैसे सीआई सेंटर बदीन के इंस्पेक्टर कुर्बान मलाह के मौलवी हाजी अहमद मलाह के कलाम से बिल्कुल रिधम से रक्स कंदे दिसजे थो मौलवी हाजी अहमद मलाह जो विसाल 19 जुलाई 1969 ईस्वी धारे बदीन शहर में थो संदस आखिरी आराम गाह भी बदीन शहर में कैंट भरसा एक कब्रस्तान में है जै चौकुंडी में मौलवी हाजी अहमद मलाह की बुठी है उन्हीं चौकुंडी में तारीख जहा वा नाव भी संस भर में आरामी हैं उन शख्सियत में खैर मोहम्मद निज़ामानी मौलवी अहमद जत्त मौलवी हाजी अहमद मलाह जो वो फर्दन शामिल है सिंध तारीख के वे नाव मौलवी हाजी अहमद मलाह की बुठी से को मकबूरो अडियल को अलबत् संस नाले से बदीन में एक शानदार लाइब्रेरी जरूर कायम थल है मौली साहब पैं हयाती में भी ठठ ठांगर का परे हो तो हयाती पुजाण भी उन जाहिरी देखाव के कबूल न पे कर चाहो मौली साहब आखिर में जाहिर है उम्र रसीदा मानू आ ठीक को रहा हुआ लेकिन जज्बा उन तदें भी जवान हूँ हुआ मुख्य वाक्य बुदायो वो तो एक दफ़ा कें मसले में को एस पी सान मिलन आयो तो मौली साहब में उथण की सकत न हुई तो कुछ गाल कंट्रावर्शियल हुई तो पान संदस पुट उबैदुल्ला के चयों तो उबैदुल्ला मुख्य इतना खड़ी जो बाहर रोड से उछल तेन एस पी के खबर पे तो कड़ी शे आया तो एस पी इन मुझे तो थोड़ा खायफ थी वो जो हलो वो तुझा जज्बा जो ये ही हूँ पो 1969 जो जो साल आयो मौली साहब सा काफ़ी मानू वड़ा वड़ा मानू मौली साहब सा मुंसलिक रहा जी मीर अली अमन टालपुर है मीर एजाज जो वालिद मीर गुलाम अली खान टालपुर है अरबाब अलाजुड़ो जो अरबाब अब्दुल जबार जबार जो वालिद मखदूम तालबुल मौलासा मौली साहब जहाँ शायराना जो यानी लागापा रहा काफ़ी बी अड़ी जी शख्सियतूँ मौली साहब के काफ़ी शायरन गाय उनकी वफात से काफ़ी शायरन गाय जी साई जो डॉक्टर असद जमाल पली जो वालिद मरूम महमूर यूसवाणी साहब मौली साहब से जो शेर चया अली बख्श डोरथ मौली साहब से शेर चया सरवेद सजावली चया इब्राहिम मुंशी चया या जो है अहमद खान आसिफ मिसरानी चया मुबीन पनाई चया तो मतलब मौली साहब के वफात से मान के तमाम घणो सदमो पोतो तमाम घणो दुख पोतो जो 3:30 बजे छंछर जी शाम 19 जुलाई 1900
उणहत्तर में जो मौली साहब वफात कई गरीब आबाद में उनकी आखिरी आराम गाह कैंट के पासे में समझो न उन मोकलियात में यो शेर लिखी मौली साहब उन जानी पैं जिंदगी का अग पे मौत जहा पैगाम वो दई चुको अज सुबह आमद वही थी मिट्टी भेड़ो मगर ये बटे अल्फाज रहा कान यार यादगार या मौली साहब चो तो मढ़ियों मुझा सिकन महबूब तोल मंझ मुकाम कुर्ब सा पाए ज कदम कें दम कबर के आस पास असल गाल है तो मौली साहब इन ही गाल जे कबर के दुरुस्त करण या मकबरे अडण जो हो मुखालिफ हो उन चाहिए शहर में कंदू माड़ियों मुनारा मुँह मिट्टी के मुठ मथे उन पान चयो तो मुझी कबर जेका हो जैसा बराबर करे छो कबर मथा ही न हो अजीब गाल थी या तो मुँ उते भी जिक्र कयो अज भी यह गाल तक दोहराया तो मौली साहब के अस दफन किया है दफन करण का पोए पंजन दहन पंद्रहन दिन का उन कबर के चौधारी जो मानू कलम पोखींद वण के पोखण ला ये जारियन जहाँ से बूटा वो पैदा थे चैनी तरफन का वो पैदा थे उ वरी गडजी मथे छठ ठाए बी रहा तो यो अल्लाह जो करम हो अल्लाह जो बानू हो नेक बानू हो वहदानत जो तौहीद जो रिसालत जो शायर हो सजी जिंदगी उनमें रची बेसी रही लाड़पट के सूरजमुखी जड़ा खूबसूरत गुल उपाइंदड़ धरती के रुन ऋण वाले इलाके में मौलवी हाजी अहमद मलाह जड़े घण रुखी शख्सियत की पैदा थियण बोली तोड़े शायरी के नवा गस घाड़े टाड़ीदड़ इंसान के निकरी निर्वार थियण जहाँ मौजूदा वाकई मानू के हैरत में ही मुब्तला कन था पर सच यो भी है तो जहमान मरतबे से मौलवी हाजी अहमद मलाह की मस्तद हुजन घुर्ज हा सा जमाने की बेहसी के करे उन्हें मीनारन ताई अन्या पहुंची ना है सकी इन मरहले से जरूरत इन गाल जी बनजे थी तो मौलवी हाजी अहमद मलाह के न रुगो सिंध पर दुनिया में रोशनास कराने लाए संस जिंदगी के मुख्तलिफ पासन से तहकीक करे उनके आम कयो वने तो जी लाड़पट जो ही सदाबहार इंसान भी शाह सचल सामी की सिफ में बीह सके छाकाण तो हुरगो कें खास तबके जो न पर आलम इंसानियत जो एक मोहसन शायर है जैसी शायरी में जिते भिटाई के कलाम जड़ी हुस्नाकियों दराजा के सचल की शायरी जड़ी सूफियाणू रमजू शामिल आन उत ही सामी के असलोकन जड़ा इसम सन शायरी में आकाश के सितारन जिया झरकंदे नजर अचन था कैमरामैन जावेद सोलंगी से फैज़ खोसो KTN न्यूज बदी जे जकन जे जोक में समझम नवा नवा नवा